यदि दोस्तों आप लोग भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको तीन ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो बहुत अच्छे हैं, मार्केट में ट्रेंड पे चल रहे हैं। आप लोग इनमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है, आपकी वैल्यू बन सकती है, आपका ब्रांड बन सकता है। आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 6,000 से स्टार्ट कर सकते हो, आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास में जो बजट है उसी से स्टार्टअप करके बिजनेस चालू कर सकते हो। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है बल्ब मैन्युफैक्चरिंग का, स्टार्टअप कर सकते हैं। बल्ब में एलईडी हो गया और भी जो अलग अलग चीजें हैं, जो एलईडी प्लेटें होगी, एलईडी जो चार्जिंग बल्ब हो गए, ये चीजें आप चालू कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा नहीं आने वाला दोस्तों, आप लोग छोटा सा पंचिंग वगैरह ले सकते हैं और स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आपको शुरुआत में कहना चाहूंगा, आपका बजट कम है तो आपको पहले जिस भी जो आप बड़े जो होलसेलर से जाकर डील करें, जहाँ से आपको जो 50-100 पीस आपको उठाना है और वहाँ से आपको मार्केट में सेलिंग करनी है, जब आपको मार्केट में आपकी अच्छी खासी वैल्यू बनने लगे, अच्छी खासी आपके कस्टमर जुड़ने लगे, तब आपको मैन्युफैक्चरिंग चालू करना है। आपको ऐसा नहीं कि जो तुरंत ही आपको मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देना है और फिर आपके लोअर में चले जाएँ, आप धंधा बंद करके बैठ जाओ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको ये बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग चालू करना है तो आपको सबसे पहले अपने मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपकी इमेज बनानी पड़ेगी, आपके साथ में कस्टमर जोड़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले काम आप ये करो, 5,000 या 6,000 आपके पास में जो भी हैं, आप उनको ला के मार्केट में जो एक बड़े होलसेलर के साथ में जाओ और वहाँ से आपको एलईडी बल्ब वगैरह, चार्जिंग बल्ब है, ये इन चीज़ों को जो मार्केट में जाके खरीदो, वहाँ से अच्छे दाम में खरीदो, गारंटी के साथ खरीदो, अच्छे दाम में, अच्छी क्वालिटी के साथ में खरीदो, वहाँ से मार्केट में लेके और जो अपने लोकल जो गाँव में, लोकल विलेज में है, लोकल जो मार्केट में है, वहाँ पे जाके सेलिंग करो। हर एक दुकान जाओ या आप मार्केट में खुद का अपना कोई छोटा सा थैला स्टार्टअप करके या थोड़े छोटा सा स्टॉल चालू करके भी आप बेच सकते हो। ये जो बहुत अमेजिंग बिजनेस है दोस्तों, जब आपके पास में कस्टमर जुड़ जाएंगे, कस्टमर आपके पास में आने लगेंगे, जब कस्टमर आपके पास में अच्छी पकड़ हो जाएगी, कस्टमर को बात करने का तरीका आ जाएगा, आपको सब चीज़ का आपको पता होने का, तब आप मैन्युफैक्चरिंग चालू करना, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा चलेगा दोस्तों, और ये 12 महीने आपको चलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि बहुत से जो आपने देखे कोई दिल्ली, जयपुर और बॉम्बे, बड़ी बड़ी सिटियों में ये बिजनेस बहुत धमाके के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा वैल्यू बना रखी है, बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। क्योंकि आप लोग भी बना सकते हैं दोस्तों अपने मार्केट में, अपने छोटे से गांव में आप लोग चाहो तो स्टार्टअप करके अच्छा पैसा बना सकते हो। इस बिजनेस को करने के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भाई साहब हमने स्टार्टअप करके देख लिया, कोई पैसा जो पैसा नहीं मिलता है, कोई पैसा जो इसमें ग्रोथ नहीं होता है, बिजनेस फेल हो जाता है, ऐसे कमेंट आएंगे, पर उन चीज़ों को देखना मत, क्योंकि ये रियलिटी है, सच है। पहले आपको मार्केट में जाके अपनी खुद की जो ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी, चाहे वो किसी और कंपनी का आप सेलिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास में कस्टमर जुड़ना जरूरी है। जैसे जैसे आपके पास कस्टमर जुड़ जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास दुकान जुड़ जाएंगे, बहुत से आपके पास में दुकानदार होंगे, तब आप मैन्युफैक्चरिंग चालू करना जो आपके खुद की ब्रांडिंग के साथ में स्टार्टअप होगा और बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। ये बहुत अमेजिंग बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस को बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। नंबर दो पे दोस्तों बिजनेस है हमारा ईट मैन्युफैक्चरिंग का या ईट सेलिंग का। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी बड़ी बड़ी सिटियों में ईट जो इमारतें बनती है या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे ईंटों का सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, चाहे वो अपनी मिट्टी की ईंट हो या सीमेंट की ईंट हो, कोई भी हो, आप इसका स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत बड़े जो इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 लाख होने चाहिए, 20 लाख होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपके पास में 6,000 है दोस्तों, ईटा का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपको लाखों रुपये की जरूरत नहीं दोस्तों। जो भी आप करना चाहते हो होलसेल के साथ में डील कर सकते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे जाके आप डील कर सकते हो, वहाँ से आप एक साथ माल उठा सकते हो, चाहे वो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है, आप माल उठा के अपने मार्केट में लाके छोटे छोटे अमाउंट में भी सेल कर सकते हो, 200 ईंटें, 500 ईंटें, 200 ईंटें ऐसे बेच के अच्छा पैसा बना सकते हो। ईंटें दो प्रकार की आती हैं, एक ब्रिक्स की आती है जो सीमेंट की होती हैं, और जो एक मिट्टी की आती है, दोनों में आप डील कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वो बेहतर है, आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टअप कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा बिजनेस है दोस्तों, ये हमारा पेंटर का है। आप लोग मकान के जो कोई भी दीवारें पेंट करनी है, मकान पेंट करना है, मकान के ऊपर कुछ डिजाइनिंग वगैरह डालनी है, तो वो भी आप काम चालू कर सकते हो। ये कम पैसों के साथ शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छा बिजनेस है और आपको बहुत अच्छा इनकम करके दे सकता है। इस बिजनेस में भी आपको कोई लाखों रुपये की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आपको स्किल आनी चाहिए, थोड़ा बहुत पेंटर करना आना चाहिए, आप ये सीख सकते हो। नहीं आता है तब भी आप जो कहीं अपने मार्केट में जाके जो पेंटिंग कर रहा है, जो मकानों को जो ले रहा है टेंडर, उसके साथ में अटैच होकर काम कर सकते हो। जब एक बार आपका मार्केट में छा गया तो आप जो ठेके लेना चालू कर सकते हो। मार्केट में बहुत से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उनका भी आप पेंटिंग का पूरा ठेका ले सकते हो, टेंडर ले सकते हो और लोगों से काम करवा के पैसे ले सकते हो। ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप लोग शुरुआत करोगे तो बहुत अच्छा पैसा इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये बिजनेस भी बहुत अमेजिंग है, इसमें भी आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्टअप हो जाता है, बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। ये बिजनेस भी दोस्तों ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने आपके चल सकते हैं, 12 महीने आपको कमा के दे सकते हैं दोस्तों। अच्छे लगे हो तीनों ही बिजनेस तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आगे जुड़ जाएं, फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन में हमने ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना। आने वाले आर भी वीडियो जानकारी आपको उस ग्रुप में मिलती रहेंगी।